अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहजाद खान है और आज की वीडियो में मैं आपको इतना इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ कि ये हर कॉपी राइटर के लिए मस्ट मस्ट नो है, और वो है कि आपकी ऑडियंस के अवेयरनेस के लेवल्स। अगर आपको ये नहीं पता और इसके बगैर आपको इसको जाने बगैर लिख रहे हो कॉपी, तो पता नहीं फिर अल्लाह ही हाफिज है क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज आप जान जाएंगे इंशाल्लाह और आपको बहुत फायदा होगा। शुरू करते हैं बगैर किसी डिले। जी हाँ, ऑडियंस की अवेयरनेस लेवल का आपको पता होना बहुत जरूरी है व्हाइल राइटिंग कॉपी। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर आप कोई ऐसी बात कर जाते हो जो कि आपके ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगी। जब उसको पता ही नहीं होगा कि ये बात किस बारे में हो रही है, तो यकीनन वो एक्शन नहीं लेगा जो आप उसे दिलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अवेयरनेस के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स हैं, और वो मैं आपको लेवल्स बताता चलूँ और फिर उसमें हम उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से। पहला है जी अनअवेयर ऑडियंस, फिर ऐसी ऑडियंस जो कि प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होती है, उनको पता होता है भाई मसला क्या है। फिर ऐसी ऑडियंस जो कि अपने उसके सोल्यूशन के बारे में अवेयर है, उनको पहले कुछ भी नहीं पता था मसला प्रॉब्लम कुछ नहीं, फिर उनको प्रॉब्लम पता चली, फिर उनको उसका सोल्यूशन पता चला। फिर एक और लेवल जो इसे अगला लेवल होता है वो होता है प्रोडक्ट अवेयर, उनको पता होता है कि इस सोल्यूशन जो ये मेरा इसका हल है उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है उसको सॉल्व करने के। और एंड पे मोस्ट अवेयर, जिनमें आपको या तो प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है और उनको हर चीज का पता है मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं इस तरह से दूंगा कि फॉर इंस्टेंस आप थोड़ा पास्ट में जाए, जब आप अपनी जो भी यूनिवर्सिटी में गए थे या जहाँ भी आप पढ़ रहे थे, मैं अपनी एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया इंजीनियरिंग पढ़ने, तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई ग्रेजुएट करके नौकरी नहीं मिलती, तो आई वॉज अनअवेयर, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है नौकरी नहीं मिलती, मैं तो बस डिग्री कर रहा हूँ चिल कर। ठीक है, जब मैं फाइनल ईयर में गया तो मुझे सीनियरों से पता लगा भाई तो नौकरी नहीं मिलती। अब मेरा प्रॉब्लम क्या था? नौकरी का ना मिलना, मुझे पता चल गया कि नौकरी नहीं मिलेगी भाई, मेरा एक लेवल ऊपर हो। अच्छा, फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ और मुझे वाकई मेरा प्रॉब्लम, मुझे पता था कि यार मेरा प्रॉब्लम है नौकरियां नहीं है मार्केट। अच्छा, जब फिर मैं मुझे चूंकि पता चल गया मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भाई नौकरी नहीं मिलती सुना, ये तो प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ब्रो नो टेंशन, इसके सोल्यूशंस हैं। क्या सोल्यूशन है ब्रो बताओ? उन्होंने बताया कि CV लिखवा लो किसी से, प्रोफेशनल से। उन्होंने बताया इंटरव्यू की तैयारी कर लो, किसी से ट्रेनिंग ले लो। उन्होंने बताया इसी तरह की कोई ना कोई सोल्यूशन, उन्होंने मुझे सोल्यूशंस दे दिए एक दो। नाउ व्हाट एम आई? आई एम सोल्यूशन अवेयर था, यानी मैं पहले बिल्कुल मुझे पता नहीं था, ख्वाबे गफलत में था, फिर मुझे पता लगा नौकरी नहीं मिलती, मैं अवेयर हो गया। फिर मुझे पता लगा इस नौकरी ना मिलने का तरीका है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, वो किस तरह करूंगा? CV इम्प्रूव करा लूंगा या किसी से इंटरव्यू की ट्रेनिंग लूंगा। अब मैं सोल्यूशन अवेयर हूँ। अब जब मैं उस सोल्यूशन अवेयर हूँ और मैं उस पर एक्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं मजबूत हूँ और मेरी CV अच्छी हो और मेरा इंटरव्यू अच्छा हो, तो मैं मार्केट में जाऊंगा CV लिखने वाले ढूंढूंगा, या मैं मार्केट में जाऊंगा इंटरव्यू प्रेप कराने वाले ढूंढूंगा। अब वो कौन होंगे? मैं मुख्तलिफ मेरे सामने लोग आएंगे, जी ये फलां साहब हैं, ये फलां साहब हैं, ये इतना ये तजर्बा है, ये इतना सिखाते हैं, ये इस तरह सिखाते हैं। अब मैंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया बस। अब मैं क्या हो गया? प्रोडक्ट अवेयर। अब मुझे पता है कि ये मेरा मसला था, इसका सोल्यूशन ये है, उस सोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ये मार्केट में मौजूद हैं। अब जब मैं उनमें से एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ या मैं दो प्रोडक्ट ले लेता हूँ और मैं उससे कंज्यूम करता हूँ, उसके थ्रू गुजरता हूँ, तब मैं मोस्ट अवेयर स्टेट में चला जाता हूँ। इसीलिए जब आप कॉपी लिखोगे तो आप यूनिवर्सिटी वाले शहजाद के लिए अलग कॉपी लिखोगे, उसको बताओगे बेटा शहजाद आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है अच्छी बात है, बट आपको पता है कि बेटा नौकरी नहीं मिलती। अब शहजाद को आपने अवेयर कर दी प्रॉब्लम का। जब शहजाद को आपने अवेयर किया, फिर आप जब अगली कॉपी शहजाद के लिए लिखोगे तो वो उसको उसकी रिटारगेटिंग और होगी, उस पर आप और एंगल बनाओगे। उसका एंगल होगा कि शहजाद अब आपको पता है कि जॉब नहीं मिलती, तो आप ये कर सकते हैं कि आप तैयारी करो, CV अच्छी बनाओ, CV मजबूत करो, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आप उनको एलिवेट कराते हो। अब अमूमन क्या होता है कि पहली दो अवेयरनेस की जो स्टेजेस हैं उस पे कंटेंट राइटर्स आते हैं और दे स्टेप इन और दे हेल्प विद यू नो गाइडिंग द रीडर्स और इन्फॉर्मिंग देम अबाउट ए। यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको आप कोई चीज नहीं बेचोगे प्रॉबेबली, अगर बेचोगे भी सही तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अब अमूमन कोशिश करते हैं कि अवेयर किए, सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं, लोग उनको आर्टिकल्स भेज रहे हैं, इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन आप डायरेक्टली भी टारगेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी कॉपी अनअवेयर ऑडियंस के लिए लिखी जा सकती है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म, उसका एक एंगल डिफरेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अवेयरनेस की स्टेजेस समझ आ गई हैं और ये आपके करियर में आपको बहुत फायदा देंगी। क्लाइंट से हमेशा आपने पूछना है कि आपकी ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल क्या है, क्या वो आपको जानते हैं, क्या आपके ब्रांड को जानते हैं,
क्या उनको पता भी है उनको मसला क्या है जो आप हल करने जा रहे हो? ठीक है, ये आप क्लाइंट से पूछेंगे, आप कॉपी लिखेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए अगले वक्त तक के लिए। सलाम।